हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये वीडियो देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम नॉनवेज बनाए हैं। तो आज हम नॉनवेज में मटन बनाया है। तो मतलब मटन हम हमेशा कढ़ाई में बनाते थे, लेकिन आज हम फर्स्ट बार कुकर में ट्राई किए और बहुत ही सच में मतलब बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ऐसा मतलब कुकर में ये होता है ना कि आप जो भी मसाले डालते हैं उसकी खुशबू उसी में रह जाओ, कढ़ाई में ऐसा नहीं होता। तो चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सब तैयारी कर लिए हैं। इसमें ये मसाला लहसुन अदरक ये सब का पेस्ट बना लिए हैं, और इधर प्याज आप लोग देखे ही होंगे कि प्याज और मटन साथ में रखा हुआ है। तो मतलब ये प्याज भी काट लिए हैं और मटन धो के रखे हैं। तो यहाँ पर मेरा कुकर गर्म हो गया है। अब उसमें अपने अंदाज से मतलब आप तेल डाल लें। तो यहाँ पर हम सरसों तेल डाल रहे हैं, और जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये दो तीन लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता डाल देंगे। और आप चाहे तो मतलब खड़े मसाले कुछ मतलब इलायची लौंग ये सब भी डाल सकते हैं। और जब वो जल जाएगी तो इसमें हम प्याज डाल लेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और यहाँ पे प्याज को 5-10 मिनट भूनने के बाद मतलब बीच बीच में चलाते हुए इसको भूनेंगे, तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मटन जो हम धो के रखे हुए थे। और अभी मटन को मतलब डालने के बाद ना 5-10 मिनट तक इसको भी मटन को भी हम भूनते हैं। और जब तक मटन उधर भून रहा है तब तक हम ये जो अदरक लहसुन गोलकी ये सब पीस के रखे थे उसी में सूखे मसाले को घोल लेंगे। मतलब ऐसे सूखे मसाले इसमें डाल लेते हैं तो ये मतलब जलते नहीं हैं। आप पानी में कोई भी सूखे मसाले को घोल के डालिए, मसाला जलेगा नहीं। तो इसी में हम इसको घोल लेते हैं। मतलब इसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और चिकन मसाला सब चीज़ हम इसी में डाल लेंगे एक ही साथ। और यहाँ पे 5-10 मिनट हम मटन को अच्छे से भून लिए हैं ढककर। मतलब बीच में हम एक बार चला दे रहे थे फिर ढक दे रहे थे, इसी तरह करके हम मटन को थोड़ी देर भून लिए हैं। और उसके बाद अब डालेंगे इसमें हम मसाला, जो हम मसाले पीस के और उसमें सूखे मसाले मिला के हम रखे थे ना जार में, वही मसाले दे देंगे। और वो मसाला डाल के जार खंगाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिलाकर और ढककर इसको भी हम 5-10 मिनट भूनेंगे। मतलब हमारे यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा भूनते हैं क्योंकि हम लोग मतलब पापा या ये लोग थोड़ा भुना हुआ खाते हैं, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा देर तक भूनते हैं। और आपके यहाँ भुना हुआ नहीं खाते हो तो आप थोड़ा देर भून के मसाला मतलब पकने तक मटन को भून लेंगे। देखिए अभी मेरा मसाला और मटन अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी अपने अंदाज, मतलब कुकर में ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। आप जितना रखना चाहे ग्रेवी उतना ही पानी डालें, क्योंकि इसमें पानी सूखता नहीं है। जितना भी आप पानी डालेंगे ग्रेवी उतना ही रहेगा। तो अपने अंदाज से पानी डालें। देखिए हम जितना मटन है उतना के ही बराबर में हम पानी डालें, क्योंकि हमको इतना ही मतलब ग्रेवी रखना है। तो उतना पानी डाल के और इसमें गरम मसाला डालकर ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी दिला देंगे। और
देखिए, मटन में हम 2 सीटी दिला दिए हैं और उसके बाद खोलने के बाद इसमें धनिया पत्ती डाल दी, और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। मतलब कुकर का जो कलर और टेस्ट एक अलग ही आता है, तो ये बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।